पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पति अभिनव कोहली के साथ झगड़ों को लेकर श्वेता पिछले काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन इस बीच श्वेता तिवारी खबरों में बनी रही अपने एक्स एम्प्लॉयर के चलते, जब श्वेता के पूर्व कर्मचारी ने उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक बार फिर से श्वेता तिवारी को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पिछले महीने श्वेता के एक्स एम्प्लॉयर राजेश पांडे ने उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था श्वेता ने उनके 52,000 रुपए नहीं दिए हैं, लेकिन अब ये मामला काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि अब श्वेता के एक्स एम्प्लॉयर यानी कि राजेश पांडे ने श्वेता पर मानहानि का केस किया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि राजेश ने श्वेता तिवारी के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का केस किया है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बारे में राजेश का कहना है कि पिछले 2 साल से मैं बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजरा हूं। एक तरफ वो मुझे पैसा नहीं लौटा रही हैं और दूसरी तरफ वो मुझ पर पब्लिसिटी स्टंट का आरोप लगा रही हैं। इसका मुझ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जब भी मैं कहीं काम मांगने जाता हूँ तो लोग मुझे आधी फीस देने की बात करते हैं। मैंने श्वेता के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस किया है। लीगल पेपर्स उन तक पहुंच भी गए हैं, हालांकि अब तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे लीगल नोटिस। राजेश पांडे ने श्वेता तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है और इस तरीके से देखा जाए तो श्वेता तिवारी अब एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजेश श्वेता तिवारी के एक्टिंग स्कूल में बतौर टीचर भी काम कर चुके हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि पिछले 2 साल से वो अपने पैसे के लिए श्वेता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन श्वेता उन्हें जवाब तक नहीं दे रही हैं। इंटरव्यू में राजेश ने बताया था कि वो पिछले 5 सालों से श्वेता के एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सिखाते थे। साल 2012 से उनकी अकेडमी से जुड़े हुए थे, जहां तकरीबन 10 से 15 बच्चों को नियमित तौर से एक्टिंग सिखाया करते थे। दुर्भाग्यवश 2 साल पहले श्वेता को अपने एक्टिंग स्कूल को बंद करना पड़ा था। दरअसल वहां बच्चे नहीं आते थे। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि श्वेता ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि उनके पैसे दे देंगी, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं, ना ही उन्होंने उनकी बची हुई सैलरी दी है और ना ही इनकम टैक्स के नाम पर काटे हुए पैसे दे रही हैं। इस तरीके से श्वेता तिवारी की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।